हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम LNMU PART-1 50 मार्क्स MB मैथिली से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शेयर करेंगे जो न केवल 2021 के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि फ्यूचर में आप जब कभी भी दोगे LNMU PART-1 50 मार्क्स MB मैथिली का एग्ज़ाम, तो वहाँ पे आपको ये काम आएगा। और दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ऐसे क्वेश्चन का कंपाइलेशन तैयार किया हूँ जहाँ से कि क्वेश्चन कन्फर्म आएगा ही, यही सिलेबस है और यहीं से क्वेश्चन आएगा ही। इसलिए आप इसको ढंग से देखना, बार बार इसको देखना, और यही प्रैक्टिस करने का एक आपका मूल मंत्र होगा। आप कोशिश करना, बार बार इसको देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक नोट के माध्यम से समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको PDF पे ले चलूँगा। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जितना भी क्वेश्चन आएगा, सारा क्वेश्चन इस नोट से आएगा, इसलिए आप इसको ढंग से पढ़ना। देखिए दोस्तों, परिणीता आपके सिलेबस में है, तो परिणीता से किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ नोट बनाया हूँ। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, वो सिर्फ आप सुनते चलिए। क्वेश्चन आएगा कि परिणीता को किसने लिखा है, तो प्रोफेसर बीना ठाकुर। इसके बाद पूछेगा कि परिणीता जो है किस विधा की है, कविता है कि कहानी है कि क्या है, तो ये कथा है। साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा कि परिणीता में टोटल कितने कथा इंक्लूड है, तो ऑप्शन आपके पास रहेगा 12, 13, 14, 15 इस प्रकार से। लेकिन परिणीता में कितने कथा को इंक्लूड किया गया है, तो ये 12 है। अगला क्वेश्चन कि परिणीता का प्रथम प्रकाशन कब हुआ, तो परिणीता का प्रथम प्रकाशन 2012 ईस्वी में हुआ। उसके बाद पूछेगा कि परिणीता का प्रकाशक कौन है, तो ये मिथिला रिसर्च सोसाइटी जो है, यहीं से परिणीता को पब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन आएगा कि परिणीता जो कथा है, इसका भावभूमि किसने लिखा, और ऑप्शन में बहुत सारे होंगे, जिसमें से एक डॉक्टर रामदेव झा भी होगा। इसको आप ढंग से प्रिपेयर करना। अगला क्वेश्चन आएगा कि परिणीता कथा में किस वर्ग के व्यक्ति पर प्रकाश डाला गया है, तो परिणीता जो कथा है इसमें मध्य आय वर्ग वाले व्यक्ति पे नज़र डाला गया है ना। अगला क्वेश्चन आएगा आपको दोस्तों, ये तो आप समझ लिए, इतना आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे जितना आप देख रहे हैं, थोड़ा गौर से हमें सुनिएगा। बहत धार, विदाई, सप्रिया, चीर सिधवा, बड़कीमा, अपराध बोध, ये जितना देख रहे हैं ये सारा परिणीता के अंदर आता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बहत धार किस कथा से लिया गया है, तो कहाँ से, परिणीता से। इसी प्रकार विदाई कहाँ से लिया गया है, तो परिणीता से। इसी प्रकार चीर सधवा कहाँ से लिया गया है, तो परिणीता से। इस प्रकार से आप इसको याद रखना। उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा कि अपराध बोध का मुख्य पात्र कौन है, तो ये भोला है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि चीर सधवा का मुख्य पात्र कौन है, तो ये लक्ष्मी है। इसी प्रकार सप्रिया का मुख्य जो पात्र है ये कौन है, ये विवेक बाबू है। इसी प्रकार विदाई जो है, इसका जो मुख्य पात्र है ये कौन है, अशोक है। इतना भी समझ लिया, फिर सुनिए मुझे गौर से। उसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा कि बहत धार, विदाई, सप्रिया, चीर सिधवा, इस चारों का अगर राइटर का नाम पूछे, तो चारों का एक ही राइटर है, लेखक राजकमल। चाहे पूछेगा कि बहत धार का लेखक कौन है, तो कौन होगा, राजकमल। विदाई का, तो राजकमल। सप्रिया का, तो राजकमल। चीर सिधवा का, राजकमल। यानी ऊपर का ये चार का जो राइटर है कौन है, राजकमल। और बड़की माँ जो है, इसका जो राइटर है ये कौन है, ये बीना ठाकुर है। इतना भी समझ लिए, आगे आप गौर समझिए। बहत धार जो है वो पूछेगा कि बहत धार में किस प्रकार का कथा है, तो ये सास पुतों पे व्यस्त कथा है, और इतना याद भी रखिएगा। उसके बाद आप इस पर थोड़ा नज़र डालिएगा। क्वेश्चन आएगा कि परिणीता का मुख्य पात्र कौन है, तो परिणीता का जो मुख्य पात्र है दोस्तों, ये श्यामा है। और श्यामा तीन भाई बहन होते हैं, जिसमें से एक श्यामा होता है, और एक उनका भाई विकास, और एक बहन श्वेता होती है। यानी मुख्य पात्र कौन होता है, श्यामा। जो तीन भाई बहन होते हैं, भाई विकास, बहन श्वेता, और एक खुद श्यामा। इतना भी समझ लिए। अब चलिए थोड़ा आगे हम चलते हैं। सभी को आप बार बार बोल रहा हूँ, ढंग से पढ़िएगा। इसी प्रकार आपको बोलेगा कि अपराध बोध का मुख्य पात्र कौन है, तो भोला। ये परिणीता से ये क्वेश्चन है, ये मेरा नोट का क्वेश्चन है, PDF में अभी और बताऊंगा। आगे चलिए, आगे चलते हैं। कविता संग्रह, देखिए कविता सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि कविता संग्रह को कहाँ से पब्लिश किया गया है, कहाँ से प्रकाशित है, तो ये मैथिली अकादमी पटना से। अगला क्वेश्चन कि कविता संग्रह में
कविता संग्रह के संपादक मंडल में कितने व्यक्ति हैं? तो ये 3 व्यक्ति हैं। इसका प्रथम प्रकाशन जो हुआ ये 1977 ईस्वी में हुआ। साथ ही साथ कविता संग्रह का जो प्रकाशकीय लिखा है ये लिखा है श्रीकांत ठाकुर विद्यालंकार, है ना। उसके बाद कविता संग्रह का जो भूमिका लिखा है, भूमिका का जो लेखक है वो है प्रोफेसर आनंद मिश्र। इसको भी ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि मिथिलाक्षर अभ्यास पुस्तक को कहां से प्रकाशित किया गया है? तो इसको प्रकाशित किया गया है अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषद दरभंगा से। इतना ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद आपसे देखिए क्या क्या क्वेश्चन आएगा। ये जितना आप कविता यहां पर देख रहे हो ये सारा कविता कहां का है? कविता संग्रह से लिया गया कविता कवि है, और उस कवि का नाम का कवि के नाम के साथ साथ उसका कविता भी है। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस लेखक का वर्णन कविता संग्रह में नहीं किया गया है? तो आप याद रखना कौन कौन कवि का वर्णन किया गया है। विद्यापति, गोविंद दास, मनबोध, चंदा झा, किशुन, हंसराज, जीवकांत, रामनंद रेणु, कृति नारायण मिश्र और उमापति। इतना राइटर का नाम का जो है ना जिक्र कविता संग्रह में किया गया है। इसके अलावा अगर कोई आएगा तो उसका नहीं किया गया। साथ ही साथ देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए विद्यापति के द्वारा कौन कौन लिखा गया है? गोसाउनिक गीत, नटराज, बिरहनी, गंगा विनती। आपसे क्वेश्चन आएगा कि गोसाउनिक गीत किसने लिखा है, और ऑप्शन आपको दे देगा विद्यापति, गोविंद दास, मनबोध, इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा? विद्यापति। इसी प्रकार नटराज को किसने लिखा है? तो विद्यापति। विरहिणी को किसने लिखा? विद्यापति। गंगा विनती को किसने लिखा? तो ये विद्यापति। ये आप याद रखिएगा। अगला चीज आपसे पूछा जाएगा कि नवदा भक्ति या फिर कुसुम वंदना या फिर विद्यापति वंदना, इसको किसने लिखा है? तो ये तीनों को गोविंद दास ने लिखा है। इसके बाद शिशु जो है कविता, इसको मनबोध लिखे हैं। गीत, ये कविता का नाम है गीत, इनको चंदा झा लिखे हैं। प्रतिवादक स्वर जो कविता है ये किशुन लिखे हैं। उसके बाद ये गंध जो देख रहे हैं ये कविता है, इसको हंसराज लिखे। क्वेश्चन आएगा कि गंध कविता इनमें से किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन आपको 4-5 दे देगा जिसमें से एक हंसराज भी रहेगा। इसी प्रकार सूर्यक मृत्युक प्रक्रिया, ये जो कविता है इसको किसने लिखा? तो ये जीवकांत ने लिखा है। इसी प्रकार कृति नारायण मिश्र क्या लिखा है? खंडित आस्था। और उमापति जो लिखे हैं ये कौन लिखे हैं? धनिक विशेष। धनिक विशेष जो कविता है इनको लिखे हैं उमापति। तो देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन आएगा केवल इसी पीडीएफ से आएगा, है ना। ये तो मेरा स्टडी नोट हो गया जो मैं बनाया हूँ, और बुलेट क्वेश्चन यहीं से बनेगा। बार बार कह रहा हूँ जो मैं बताया हूँ कोशिश करिएगा आप, और पीडीएफ को नहीं भी पढ़े लेकिन जो यहाँ पे मैं बताया हूँ उसको आप बार बार देखें, है ना। तो ये तो हो गया पीडीएफ, अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। चलिए आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, और यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कह रहा हूँ ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितना अभी मैं आप लोगों को इस नोट के माध्यम से बताने का कोशिश किया हूँ उसी नोट का सारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाइज दिया हुआ है, इसलिए आप इसको ढंग से बनाना। देखिए पहला क्वेश्चन है 6 नंबर, कविता संग्रह में संकलित शक्तिक वंदना के रचनाकार है? तो ये हो जाएगा विद्यापति। अगला क्वेश्चन, विद्यापति वंदना कविता के लेखक के क्षेत्र गोविंद दास, अभी हम बताया आपको। इसी प्रकार से 8 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा ये विद्यापति हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कुसुम वंदना कविता कवि है, तो ये गोविंद दास, मैं अभी आपको बताया हूँ। उसके बाद है कुसुम वंदना कविता में कवि मुहक तुलना कौन फूल से कैलिन छे? तो ये कमल से हो जाएगा। 11 का जो है बोल रहा है कुसुम वंदना कविता में नाकक तुलना कवि कौन फूल से कैलनी अछि? तो ये तिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है गोविंद दासक गीतक प्रधान विशेषता की थी? तो अर्थक गुंडता। गोविंद दास ककर दरबारी कवि छला? तो इनमें से ककरो ने, वो विद्यापति के शायद। अगला चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये 14 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है गोविंद दासक राधा कृष्णक भक्ति कौन भाव से कैलनी? तो ये संख्य भाव से, है ना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन सबको आप कवर करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, लेकिन मेन फोकस अपना मेरे बुलेट पे रखना जो मैं बुलेट पॉइंट आपको बताया हूँ। अगला क्वेश्चन है गोविंद दासक जन्म कौन शताब्दी में भेल? तो ये 17 शताब्दी में। और उसके बाद एक बात और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं जितने आपको बताया था कवि का नाम जैसे कि गोविंद दास, मनबोध, उसके बाद विद्यापति, कोशिश करिएगा आप सभी का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ
और उसके बाद उसका घर कहाँ पे है, इस तीन चीज़ आप जरूर कवर कर लेना, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आएगा, है ना। उसके बाद बोल रहे हैं गोविंद दास अपन काव्य गुरु किनका मानित छथि, तो विद्यापति हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैथिलीक कौन कवि सर्वाधिक शब्दक विन्यासी छथि, तो ये गोविंद दास। दोस्तों यहाँ पे मैथिली लैंग्वेज में थोड़ा हमको डिफिकल्ट लग रहा है पढ़ना, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर के साथ आपको आंसर बता देता हूं, सिर्फ आप इसको ढंग से देखना। 21 नंबर है, गोविंद दासक जन्म कौन गांव में भेल, तो रैयाम, आप शायद जानते होंगे ये दरभंगा जिला के अंदर शायद आता है रैयाम, रैयाम चीनी मिल जो अब नहीं रहा। उसके बाद है गोविंद गीतांजलिक संपादन केला, तो सुरेंद्र झा सुमन। देखिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं स्क्रॉल करता चलता हूँ, पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा है इसलिए वीडियो लॉन्ग भी हो जाएगा। आप चलिए मारते चलिए, देखिए 24 का क आंसर हो जाएगा, 25 का ख, 26 का ग, 27 का क, 28 का क, उसके बाद 29 इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट वही बोल रहा हूँ, 30 का हो जाएगा ख मनबोध, 31 का हो जाएगा ग हरिवंश पुराण, और उसके बाद चलिए जस्ट आगे चलिए 36 में हो जाएगा नट अ ऑप्शन विद्यापति, 37 में अ, 38 में अ ऑप्शन, 39 में अ, 40 में ब, 41 में ब, 42 में ब, उसके बाद 43 में स, 44 में अ, 45 में ब, 46 का ऑप्शन अ हो जाएगा, 47 का स, 48 का अ, 49 का अ, उसके बाद 50 का जो हो जाएगा ये ब हो जाएगा, 51 का ब, 52 का अ, 53 का अ, 54 का अ, उसके बाद 55 का अ, 56 अ, 57 द, 58 अ, 59 स, 60 द, 61 अ, 62 अ। तो देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इस पे आप अपना ज़्यादा फोकस रखिएगा, साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ ये तो हुआ मैथिली का, लेकिन अगर आप 50 मार्क्स आरबी नन हिंदी का वीडियो देखना चाहते हो तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको भी आप देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख लेना। और बार बार कह रहा हूं दोस्तों, आप एक काम और करना, यहां पे जितना भी मैं यहां पे आपको राइटर का नाम बता रखा हूं, यहां पे देखिए जितना भी है, गोविंद दास, विद्यापति, मनबोध, हंसराज, जीवकांत, उमापति, सभी का आप एक चीज करिएगा याद, सभी का जन्म कहाँ हुआ, उसके बाद उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुआ, इस तीन चीज़ को ही आप सिर्फ ढंग से सभी के बारे में कर लेना, इतना सफिशियंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जितना शेयर कर सकते हो करिए, एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। थैंक यू सो मच दोस्तों।